पेशे से प्रोफेसर, नेता और समाज सेवी के रूप में एक पहचान रखने वाले राम जतन सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्राचार्य भी बने। हम सुनते हैं अभी की कहानी। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी बात करने वाला हूं बिहार विधानसभा चुनाव के नियमित जदयू में एक बड़े नेता जो 2 साल पहले अपने हजारों समर्थकों के साथ वो जदयू में सदस्यता ग्रहण किए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी तारीफ में लगभग 20 मिनट तक उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े थे, मगर न जहानाबाद लोकसभा सीट उन्हें लड़ने के लिए दिया गया और ना ही बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया। लगभग 2.25 साल पहले राम जतन सिन्हा जनता दल यू में नीतीश कुमार का दामन पकड़कर इसलिए गए थे कि जहानाबाद लोकसभा सीट उन्हें शायद लड़ने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी उनका नाम बढ़ाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए और वह एक करीबी अंतर से भी वह चुनाव वह निकाल ले गए। तो कहीं ना कहीं राम जतन सिन्हा की एक प्रकार से चुनावी हार उस वक्त भी हुई और उसके बाद जब वह जनता दल यू में गए तो हजारों समर्थकों का उनका कहना है कि यह जवाब देना यह मुश्किल हो रहा था कि जनता दल यू में आपकी स्थिति क्या है और आपका पोजीशन क्या है। ना ही आपको बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया, जबकि आप बिहार सरकार के पहले मंत्री, लगभग 40 साल पहले मंत्री रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक विरासत यह है कि लगभग 50 सालों से वह राजनीति में हैं और लगभग 20 से 25 सालों से वह राजनीति के केंद्र से, न वह विधायक रहे न वह सांसद रहे, मगर फिर भी लोगों में उनका जनाधार बना हुआ है। मगर उनकी चुनावी हार लगातार जारी है और कांग्रेस के वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो छात्र राजनीति से वह इतना जुड़े हुए थे कि पटना विश्वविद्यालय के 1970 के बाद 71-72 के समय में वह अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष रहे और लालू प्रसाद यादव को चुनावी शिकस्त वह उन्होंने छात्र जीवन में ही दिया, मगर बाद में अगड़े पिछड़े की राजनीति में राम जतन सिन्हा को काफ़ी नुकसान हुआ और उनका कहना है कि अब इसी प्रकार से अब जब चलेगी तो अब आखिर कितना अपमान सहा जाए। उसी के नियमित वो जदयू से फिर से इस्तीफा देने, जदयू से जब ज्वाइनिंग लिए थे तो एक महत्वाकांक्षा तो थी ही, मगर अब वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि जदयू से इस्तीफा देने के लिए वह अपने समर्थकों को फेसबुक पोस्ट से आह्वान किया है कि वो वहाँ पर आएँ 8 तारीख को, 2 बजे समय निर्धारित किया गया है और उनका यह स्थिति था कि वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वह अपने बेटे के लिए विधानसभा के टिकट के लिए वह चाह रहे थे, मगर जदयू के गठबंधन में जीतन राम मांझी का नाम आया और वो सीटें जिस सीट पर राम जतन सिन्हा का दावा था वह सीट कहीं ना कहीं वह गठबंधन खेमे में जाने की ओर इशारा करते देख राम जतन सिन्हा ने फिर से राजनीतिक अपनी एक कह सकते हैं कि अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उनका कहना है कि हम यह निर्णय लिए हैं और कार्यकर्ताओं को जवाब देने में मुश्किल हो रहा था इसलिए भी यह निर्णय लेना पड़ा। अब देखना यह है कि राम जतन सिन्हा राजनीति में कहां और कितनी दूर तक अब नज़र आते हैं और किस पार्टी में अब वह जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जब उन्होंने छोड़ा था तो 3-4 वर्षों तक वह किसी पार्टी में नहीं थे। जदयू छोड़ने के बाद उनका कहना है कि यह नहीं है कि हम किसी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह अभी नहीं तय किए हैं। ये वैसे उनका कहना है कि हम इतने सीनियर लीडर हैं तो हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे, मगर वह भी अपने बेटे को कई बार चुनाव वहां से लड़ा चुके हैं, जहानाबाद और अरवल में भूमिहार के वोट पर उनका पकड़ यह माना जाता है और वह काफ़ी पुराना नेता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, इस नाते वह अपनी सीनियरिटी बार बार दिखाते रहे हैं और बिहार में वो एक उस श्रेणी के नेता हैं जिस श्रेणी में लालू जी, नीतीश जी या रामविलास पासवान जी, यानी कि एक तरह से सीनियर लीडर हैं, मगर समय के साथ वो हाशिए पर चले गए, मगर फिर भी लोगों का जनाधार उनके पास है। अब देखना यह है कि उनको किस प्रकार से जब वो इस्तीफा देने जाते हैं जदयू कार्यालय में तो किस प्रकार से उनका समर्थन मिलता है ठीक 2 दिन बाद। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।